नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ इलेक्शन की डेट पास आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार से लोगों को क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो झेलनी पड़ी हैं, वो हमने आज लोगों से पूछा और आइए जानते हैं लोगों ने हमें क्या जवाब दिए। मेरा नाम रामकिशन है जी, यहाँ पिंजौर में रहता हूँ। हमारी HMT जो है ना, सरकार ने आने के बंद कर दी। कई लाख आदमी रोटी खा रहा था यहाँ दूर दराज के इलाके में। ये कंपनी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और यहाँ इनिशियली यूनिटा थी, बहुत लोग यहाँ काम करते थे, रोजी रोटी चलती थी, बिजनेस ठप हो गए यहाँ लोगों के। हमारे को जो ना टाइम से पहले रिटायर कर दिया गया, ना हमारा अब तक पैसा मिला है, ना हमारी को पेंशन है, ना हमारे को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। हम बिल्कुल रोड पर लगा दिए सरकार ने, जबकि उस सरकार में जो है ना बिल्कुल इसको जो है ना वहाँ से अपना ग्रांट मिलती थी चलाने के लिए। जब इसका प्रॉफिट होता था तो सेंट्रल लेता था इसका बेंगलोर। जब ये थोड़ी डाउन में आई अगर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए जो है ना लोगों को CRS भी दी, जबरदस्ती रिटायर VRS भी दे दी, ट्रैक्टर प्लांट बिल्कुल बंद कर दिया। अरे इसलिए इस सरकार में उसमें बहुत अंतर है जी। इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें कौन सी जगह बहुत सारी पार्टियां हैं वो उतर रही हैं, तो किस पार्टी का आपको लगता है कि ज़्यादा? भाई हम तो ये हमारी दिल्ली इच्छा ही है भाई कांग्रेस आए, अपना गुजारा कर रहे हैं। हम तो नहीं है ना पिलसन बनवा, हम तो मेरी पिलसन जो गी भी हो रही फिर भी नहीं बनवा। बनाई नहीं मेरी 60-70 तक वैसे गए आप पेंशन? और गए कब गए, कब चले नु कहते हैं रुक जाओ फिर आइयो नु करी जा है। कोई डेवलपमेंट है? बसों का बुरा हाल है, बस सर्विस ही नहीं है, हॉस्पिटल सर्विस नहीं है, रोड्स वगैरह तो जैसे पहले थी वैसे ही, थोड़ा फिर जैसे ये बन गई है कुछ। जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, हाँ जी शर्मा जी, उनसे कैसे मतलब? उनका कोई लोगों के साथ सीधा कोई है नहीं, मेल जोल ज़्यादा नहीं है। जैसे भी फ्रीली जाके उनको मिल सके या कोई ऐसा खुला दरबार लगाएं, जब 60 महीने रहे थे उनको तो 30-40 महीने ही खुला दरबार लगा देती, तो लोगों की छोटी मोटी समस्या तो वैसे ही ठीक हो जाती। तो आपकी वैसे क्या डिमांड है सरकार की, जैसे कि वो पूरी करें? मतलब ये है भी जो रूटीन की लोगों की चीज़ें हैं जैसे वो पूरी हो जाए, बस सर्विस अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, और जो पुलिस सर्विस अच्छी हो, SDM वगैरह में ये वो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो अच्छी हों। तो ये जो मौजूदा सरकार है, हाँ जी, इससे आप अभी कितना खुश हैं? कोई खुश नहीं है, हर एक वर्ग इससे दुखी है। कोई पिंजौर कालका कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई विकास कार्य बड़ा नहीं हुआ। ये जाम की समस्या देख लो कितनी बड़ी, पिंजौर की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हम झेल रहे हैं। हमारे बच्चे सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, इससे पहले दुर्घटना में 2-3 बच्चे मरे, हमने 9 पार्किंग करवाई दी, उन्होंने ये भी खुलवा दी। जो यहाँ की विधायक हैं लतिका शर्मा, उनका व्यवहार कैसा है आम आदमी के लिए? मैडम पब्लिक को तो मिलती है लेकिन विकास कार्य कोई नहीं हुआ, विकास के नाम पर 0 है कालका। ना कोई यहाँ लड़कियों का स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल की यहाँ अच्छी सुविधा है। कालका हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ पूरा नहीं है, जैसे पिंजौर है, पिंजौर इतना बड़ा शहर बस गया अंग्रेजों के टाइम का, वही प्राइमरी हो है। तो अभी जैसे पिछले कांग्रेस सरकार भी रह चुकी है, हाँ जी सर, तो दोनों सरकारों को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? सर कांग्रेस को मैं 10 में से 10 देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन BJP को मैं 5 नंबर देना चाहता हूँ। मतलब उसको कांग्रेस को 10 में से 10 क्यों देना? क्योंकि सर उसमें इतनी महंगाई नहीं थी, सर हम बिल्कुल समर्थ होकर चला सकते थे, हमारी मेहनत कामयाब थी। तो ये जो मौजूदा सरकार है, ये इससे जो ये काम कर रही है उसमें आपकी कितनी सहमति है कि आप कर रही है? मेरी क्या, यहाँ किसी की भी सहमति नहीं है इनमें। इस एरिया में एक काम तो बता दे कोई ढंग का क्या किया, गलियों से किसी को रोजगार नहीं मिलता, किसी को भोजन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता। किसी एक सिंगल बच्चे का नाम बता दे जिसको नौकरी मिली हो। हमारे पिंजौर का नाम पूरे इंडिया में क्या, इंडिया से बाहर भी मशहूर था, HMT पिंजौर बोलते थे। आज क्या है यहाँ HMT के अलावा, सूरजपुर के अलावा यहाँ पिंजौर में है क्या था कालका एरिया में? जब 97 के अंदर ही बंसीलाल के साथ आए थे ना, इन्होंने आते सार पहले ACC सीमेंट फैक्ट्री बंद करी थी, सूरजपुर फैक्ट्री।
उसके बाद अब आए आते सारे इन्होंने एचएमटी बंद करी है। एचएमटी की 842 एकड़ ज़मीन है। एचएमटी जैसी चार प्रोजेक्ट ऐसे यहाँ पे लग सकते थे ज़मीन पे अगर इनकी नीयत साफ होती। कालका से लेके अंबाले तक एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहता। चार शिफ्ट में यहाँ काम चलता था। इन्होंने जो बच्चे यहाँ अप्रेंटिस करते थे वो भी बंद कर दिया। मतलब जो वादे उन्होंने किए थे एक वादा नहीं पूरा किया। ये मंदिरों में जाके जगराते में जाके जोत जगाने से ये विकास नहीं है। लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। बाजार में जाके देखो आप, सब दुकानदार वेले बैठे, खाली बैठे, किसी का कोई काम नहीं है। नकली है, मैं देशभक्त हूँ, मैं ये हूँ, वो कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। बाईपास ये देख लो कितने साल हो गए, आप तो यहीं रहते हो, आपको तो पता है। सुखो मजरी वाला बाईपास बता दो कितने साल से चला हुआ। अब इलेक्शन के नेड़े आ गया, वहाँ दो मिस्त्री लगा दिए अभी इन्होंने, इलेक्शन बंद हो जाएगा उसके बाद फिर छुट्टी। तो ये थी कुछ दिक्कतें जो आम आदमी को झेलनी पड़ रही है मौजूदा सरकार से। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अगर भाजपा जो है वो फिर से सरकार बनाती है तो क्या ये दिक्कतें जो आम आदमी को आ रही हैं वो दूर होंगी या नहीं। कैमरामैन ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।